Hey guys, what's up? I hope you're having an amazing day. इस वीडियो के वक्त जब देख रहे हो और होपफुली हमेशा हमेशा के लिए. ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो. मेरे पास कुछ खास बोलने के लिए है नहीं. ओके सो बायस गाइड में इसमें बस बेसिकली यही बताऊंगा कि ये पार्ट वन है जिसमें मैं बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ कि जो थ्री प्लेटफॉर्म्स एक्सबॉक्स वन PS4 एंड PC इनमें से क्या कितने कॉस्ट करता है और क्या आपको क्या आपके बजट के हिसाब से अच्छा है और मतलब बेसिकली स्पेक्स और सब कुछ डिस्कस करना तीनों में. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल PC ये प्राइस का डिफरेंस हो मतलब प्राइस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस का वो करते हैं डिस्कशन. जो PC अगर आपको एक अल्टीमेट PC लेना हो जिसमें प्रोसेसर अच्छा सा हो मतलब प्रोसेसर ये सब बस बेसिकली चीज़ें होती हैं जो आप अपने PC में डालते हो. प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड आपकी रैम और एक कूलर और ये सब मॉनिटर आपको चाहिए होता है आपको कीबोर्ड ये सब चाहिए होता है. तो अगर आप इन सबको सम अप करो एक अच्छा सा PC बनाने के लिए इट विल कॉस्ट यू समथिंग लाइक 70-80,000 रुपीज़. सो अगर आपका बजट इतना है तो आप ले लो ये. मैं उसके मतलब एक पूरी वीडियो बनाऊंगा पूरा वो करते हुए कि बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं बट डैट विल बी अनदर वीडियो. सो फॉर नाउ मैं बस एक्सप्लेन करूँगा क्या बेस्ट है. और ये तो सिंपली PC है और जो Xbox One और PS4 हैं दे आर कॉन्सोल्स. तो एक तरीके से बस वो थोड़े चीप टाइप के गेमिंग की चीज़ होती है. मतलब चीप नहीं बट वो भी बहुत ऑसम होता है. आई एम नॉट सेइंग कि दे आर चीप और मतलब सस्ते हैं. मतलब मेरा मतलब था कि वो बस 30,000 के पड़ते हैं. सो दैट्स नॉट लाइक महंगा वो काफ़ी अच्छा प्राइस है और उसकी स्पेक्स बहुत अच्छी हैं दोनों की. मतलब दी ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ की PS4 में 8 GB DDR5 वीडियो रैम होती है. वीडियो रैम आपकी वीडियो गेमिंग में जाती है उसको रन करने में. सो 8 GB DDR5 और Xbox One में होती है 8 GB DDR3. तो DDR3 और 5 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और देयरफॉर PS4 की बहुत वो है हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा Xbox One से. एंड दैट्स द रीज़न कि आजकल Xbox One की सेल्स बहुत डाउन हो रही हैं बिकॉज सब PS4 ही ले रहे हैं. सो मैं भी हाईली सजेस्ट करता हूँ PS4 लो. बट स्पेक्स और स्पेक्स और वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बनाती हैं कि आपको क्या लेना होता है. सो जो मेन चीज़ आई थिंक जो डिफरेंस बनाती हैं आर वीडियो गेम्स और एक्सक्लूसिव वीडियो गेम्स. तो बहुत से गेम्स होते हैं जो कॉन्सोल वाइज एक्सक्लूसिव होते हैं. तो Xbox One के भी काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव हैं और सोनी के मतलब PS4 के बहुत सारे एक्सक्लूसिव हैं. से अनचार्टेड 4 और द लास्ट ऑफ अस गॉड ऑफ वॉर और स्पाइडरमैन जो इतना कुछ आने वाला है और नियो जो अभी भी लॉन्च हुआ है. जस्ट लाइक सो मच. और Xbox One का ऐसा कुछ भी नहीं है. Xbox One में बहुत ही कम वो होते हैं. इनफैक्ट एक जो ये लॉन्च होने वाला था स्केल बाउंड एक बहुत ऑसम गेम था उसका गेम प्ले डेमो देखो स्केल बाउंड का बट वो कैंसिल हो गया बस क्रूशल टाइम पे. और एवरीबॉडी वाज लाइक शिट मैंने क्यों ले लिया Xbox One. सो ऐसे एक्सक्लूसिव्स के लिए और हॉर्स पावर के लिए इन सब के लिए PS4 एक आइडियल चॉइस है. और इतना कॉस्ट भी नहीं करता अगर आपको मैंने इनफैक्ट इस टाइम पे तो PS4 Slim भी लॉन्च हो गया इंडिया में. PS4 Pro भी लॉन्च हो गया. इस पर मैंने वीडियो बनाई है अगर आपको जानना है तो वो एक और वीडियो है मेरी यहाँ उसको देख सकते हो. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप देखोगे तो. ओके सो यही बेसिकली डिफरेंस है दोनों में. और अगर आपको एक गेम अगर आपको लाइक कोई गेम 60 FPS और कंप्लीट HD और सब कुछ बढ़िया चलाना है आपको विदाउट एनी लैग नो नथिंग तो आपको एक PC लेना पड़ेगा उसके लिए. एंड एज आई सेड दैट विल कॉस्ट अ लॉट. सो दैट्स प्रीटी मच इट ये बताने के लिए कि कॉन्सोल्स में क्या होता है. कॉन्सोल्स में बस फिक्स्ड वो होता है स्पेक्स होती हैं और जो वीडियो गेम्स होते हैं वो बनते ही स्पेक्स के हिसाब हैं. तो आपको कुछ होता नहीं है कि ये थोड़ा स्लो है वैसे सब कुछ बढ़िया चलता है बिकॉज सब कुछ फिक्स्ड है कुछ आपको झंझट नहीं होती. और जो PC आपको सब पूरा कि कहीं पे जाके वो कराना पड़ता है कंपाइल आपको सब कुछ खरीदना पड़ता है पहले. तो वो मैं अपने गाइड में बताऊँगा जो बाद में पब्लिश करूँगा PC का PS4 का Xbox तीनों का अलग अलग. और बस आपको पूरा का पूरा वो करना पड़ता है क्या बोलते हैं कंपाइल और ओवरऑल बहुत पैसे लग जाते हैं बट अल्टीमेटली आपको बहुत ऑसम चीज़ मिलती है. और PC अल्टीमेट चॉइस है गेमिंग के लिए तो अगर आप बहुत हार्डकोर गेमर हो तो. और PS4 भी बहुत अच्छी चॉइस है गेमिंग के लिए. और अगर आपको अगर एक्सबॉक्स के भी खुद के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं बाय द वे उसमें जो ब्राउजिंग है बेसिकली स्टफ का वो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा है PS4 से. सो इट्स ऑल अप टू यू आपको क्या लेना है. वो मैं कल परसों एक और गाइड बनाऊंगा PS4 का एक्सक्लूसिवली और Xbox One का एक्सक्लूसिवली PC का एक्सक्लूसिवली. सो दैट्स प्रीटी मच इट. और कुछ है नहीं मेरे को बोलने के लिए. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ड्रॉप अ लाइक आई विल अप्रिशिएट इट लॉट एंड ऑलवेज स्टे ऑसम.